तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और सुनो मां, जो हो रही मात दीवानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, जो हो रही मात दीवानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, बबूला जैसे पानी का तो नशा सवार मात मेरी जानी। सुनो, मेरे पिता का तू बुलबा ले और दिल की लगी फुजाले, काम शैतानी का तो नशा सवार मात मेरी वाणी का। इधर आओ ना, मेरी लगी बुझा दो ना। नहीं माँ, ये कभी नहीं हो सकता, हर गिज नहीं हो सकता है। अरे ब्रह्मचारी को, ए मौसी, अरे ब्रह्मचारी को रही काए छेड़ी, बिगाड़ो मीनी अरी अरी, बिगाड़ो मीनी कहा तीरो ब्रह्मचारी को रही इधरा। तुम्हें मेरी कसम, सुनो, मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग, सुनो ना, मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग, यही ये सुनी ए, यही ये सुनी प्रण मीरो ब्रह्मचारी को रही दिल जानी हो ना। और सुनो, अरे तू मेरी माता मैं तेरो बेटा, सुनो लगा कर ध्यान, अरे तू मेरी माता मैं तेरो बेटा, सुनो लगा कर ध्यान, मरूंगी तेरे संग, ए मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग, यही ये सोने ए, यही ये सोने प्रण मेरो ब्रह्मचारी को रखी काए छेड़ी। ज्यादा बातें ना बनाओ, हमारी ओर देखो, तुम तो बड़े ही पत्थर दिल के हो ना। इधर आओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रहूंगी रूप, एक बार मेरे दिल की लगी भुजा दे। नहीं माँ, ए माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ माँ,
ऐसा मैंने संसार में कभी नहीं देखा है जो कि माँ और बेटे पर इश्क का भूत सवार हो। माँ सुनो, अरे माँ बेटे संग इश्क करे री माँ, सुनती हो माँ? हाँ कहिए। अरे माँ बेटे संग इश्क करे री माँ, हासी हो जाएगी अरे जोड़ू तेरे हाथ मातम को पासी हो जाएगी। नहीं माँ मुझे माफ कर दो माँ, अरे माँ बेटे संग इश्क कर री माँ, देखी हासी हो जाएगी जोड़ू तेरे मेरी मैया, तू लगे धर्म की मोसी, अरे मेरा पिता की रानी हो कर तेरी माँ, अरे मेरे पिता की रानी हो कर दासी है जाएगी जोड़ू तेरे हाथ मातम को पासी हो जाएगी। मेरी मैया मोको पुत्र आपनो मानी, और मैया सुन, अरे जैसे दूध गऊ तोरी मैया, अरे जैसे दूध गऊ तोरी मैया, देखी लासी हो जाएगी जोड़ू तेरे हाथ महत मोह पासी हो जाएगी। अब तक तुमको रहम ना आया माँ, ये तो कभी नहीं हो सकता है। है कि माता मेरी, है कि माता मेरी, तुझ पे नियत डिगाऊंगा छोड़कर फेटा के तारी जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ए रूप तुम जा ही रहे हो तो ये फेटा के तारी मैं आपको नहीं दूंगी। और सुनो, तो इस दम आधी रात तू, ए इस दम आधी रात तू जा भाग चला जा खेर, अरे फजर दिखा दूंगी तुझे जालिम अपनी से, इस दगाबाजी का तुझे तुझको चखाऊंगी मजा, अरे मुझको तड़पती क्या चला सर छा रही तेरे कजा, अभी बगदिया लोटिया, एक रूप अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बगदिया लोटिया नहीं झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, फजर
खबर सूली पे तू चढ़ जाएगा। और सुन, मरने के पीछे भी तेरी बदहालती करवाऊंगी, आंखें निकलवा कर तेरी झेरी में तोय डरवाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी है माँ, तो सुनो। मेरे मरने से तेरी और शीतल छाती हो, तो माता बेशक फजर मरवाई दी जो मोय, अच्छो लगे सो कीजियो, मोसी तुझे अधिकार है, करवाए ली जो नैन दोए, दिलवाई दी जो दार है, लेने को मेरी प्राण तू, अरे माँ लेने को मेरी प्राण तू, बेरिन बनी बीमार है, बुलवाए अपने महल में, अच्छो यकीनो प्यार है, होगा फजर सो देख लू मालिक मेरा भगवान ही, अरे ईमान जिन साबित रखा वो ही बचावे तारे ही, अरे मौसी मेरी राम राम, मौसी मेरी राम राम। हरे दे राम राम देख नायलू तेरी राम राम। आज बंधु इतने शब्द कह करके रूप कुमार दौड़ जाता है, एकदम से रानी चीख पड़ी, और दासियों बाबी कहां गई तू, मर गई क्या? महारानी जी काम है वो, चला गजब हो गया, अब तो एक काम कर, रूप कुमार की फरियाद से पहले जा महाराज को मेरे पास लिया, अन्यथा तोय मोय दो ने फांसी है जागी, गजब है जा। आज बंधु रानी इधर में सिंगार अपने बिखेर लेती है और जगह जगह से कपड़े फार करके जमी पे लेट जाती है, इधर दासी दौड़ करके महलों में पहुंचती है, महाराज महाराज गजब हो गया, क्या बात है बांदी, चलो दौड़ करके चलो, महारानी ने तुम्हें महलों में बुलाया है। आज बंधु राजा जब आए हैं महलों में और कहने लगे, ओ रानी क्या बात है, आज जमीन पे लेटी हो, क्या चक्कर है? महाराज हाय महाराज, उठो रानी उठो, उठाइयो उंगली तो उंगली उसकी कटवा दूं, और दिखाई हो आंख उसने तो आंख उसकी फोड़वा दूं। महाराज ना ही किसी ने उंगली उठाई और ना ही किसी ने आंख दिखाई, तो फिर क्या बात है? महाराज आज मैं जो कहूंगी तुम्हें विश्वास न होगा उन बातों पर। क्या कहा?
नहीं रानी साहब, साहब बता दिया किसने तुम्हारी है ये हालत की है, और जल्दी से बता। महाराज महाराज महाराज, तुम्हारे नाजुक के पाले ने रूप कुमार ने मेरी ये बदहालते की है। खबरदार रानी, जो रूप का नाम लिया तो मेरा बेटा रूप नेक है, हजारों मनी बन के लाखों में एक है। महाराज अच्छी प्रकार से जानती थी कि यही मुझे मिलेगा सुनने को, यहाँ तो बेटे का भूत सवार है। महाराज मेरी बात को झूठ जानो तो मेरी दासी से पूछ लीजिए, दासी मेरी सच सच बता देगी। ए दासी इधर आओ। कहिए महाराज, धर्म ईमान से कहना, ये जो माजरा गुजरा है क्या ये सच है? महाराज मैं बिल्कुल धर्म ईमान से कहूंगी, क्योंकि मैं बाली बच्चेदार हूँ और मेरे तीन बेटा, मैं तीनों बेटन की कसम खा के कह रही। तेरे बेटा तीन है? बोले हाँ। मैं तीनों की कसम खा के कहती हूँ महाराज, ये बात सच है, सच है। तो सुनो महाराज, अरे बारे बजे रात आदि के, और रूप कुमार ने बोल दिया, और महारानी के कहने से मैंने मैन का फाट के खोल दिया। नहीं बाली, ये गलत है, झूठ है। महाराज बारह बजे रात आदि के रूप कुमार ने बोल दिया, महारानी के कहने से मैंने मेल का पाट के खोल दिया। और सुना, अरे हाथ पकड़ कर बैठ गया कर बिजली बंद चुवारे की, रानी कुन मुन करती रही मैं कर रही ओठी तुम्हारे की। झूठी महाराज, तो तुम्हारे ये झूठ का भूत उतारने के लिए दूसरा जादू पेश करते हैं। लो ये पहचानो, तुम्हारी है या तुम्हारे बेटे की? आज बंदू फेंटा कटारी जो दी है राजा को, वो शाही मोहर लगी हुई थी। आज राजा कहने लगी, श्री भगवान मैं क्या देख रहा हूं, ए रूप तेने ये क्या किया, मैंने मेरा सोना सा भड़का दिया। रानी क्या चाहती हो रूप के? महाराज सजाए मौत चाहती हूं, उसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा ही होगा। महाराज रूप जिस हालत में हो उसे वैसी हालत में जल्दी से पकड़ के लेके आई। आज जल्लाद गए और बंधु रूप को पकड़ करके महाराज के पास लेके आते हैं। महाराज हे पिताजी प्रणाम, खबरदार कमीने, पिता कहते थे तेरे जीव के टूट जाती है, अरे नालायक। पिताजी ये क्या बात है, आज कैसी बातें करते हो,
अबे ओ कमीने, मैं तुझे ये पूछता हूँ, रात के 12 बजे तू मौसी के महल में गया था? महाराज, गया था तो क्या समझा था तूने उसको? पिताजी, मैंने मौसी को बहुत समझा, मैंने मौसी को बहुत समझा, हनुमत ने समझा सीता को, मैंने मौसी को बहुत समझा, अर्जुन ने समझा गीता को। हर जगह कमीने, सीता गीता जैसे अपनी गंदी जुबा पे नाम लेता है, जला दो, लगाओ कोरे कमीने में। आह पिताजी, अरे बेवकूफ, तूने रात के 12 बजे अपनी मौसी की इज्जत पे हमला किया? नहीं पिताजी नहीं, ये गलत है। दादी मशहूर हूं जाने सकल जहान, होती है भी सो भी से सो मौसी मात समान, मौसी को देखे बद नजर, वो बद बड़ा बदकार है, उसको खुदा के वास्ते दो जख रहे तैयार है। अब जानी मैंने करिए आप पिताजी। नहीं पिताजी, चलो ना लगा कोरे में। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मारो ना मुझको। पिता को कर रहा चाहिए क्या उसी तरह का प्यार? पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। कमीने, अब तो तू फांसी का मजा चखेगा। पिताजी, कलंक का टीका। नहीं पिताजी, उजर पिताजी, हाँ बाल दहन से उजर करे उस बेटे को ठीक करो। जलनो, लगाओ कमीने में कोरे। पिताजी, आप कितने निर्मोही हो गए हो पिताजी। मैं लगू पुत्री त्यारो, मैं लगू पुत्री त्यारो,
दादी मोरी मत मारो। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं, अब माफ नहीं हो सकता है। तू जी मुझे माफ कर दो। जला दो, ले जाओ इस कमीने को, चला दो जाकर के सूली पे, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। पिताजी तो अब मेरी एक अरज और सुन लीजिए, क्या कहना चाहता है सुनो। एक अरज और आखिरी तुम्हें सुनाना, सूली मुझे ऐसी जगे दिल। पिताजी जी, और मौसी भी ले देखी, हाँ मौसी भी ले देखी कि जिसने किया मुझे बदनाम। पिताजी चला दो, सामने इसको सूली लगनी चाहिए। आज जल्लाद जंजीरों में जकड़ करके रूप कुमार को लेके जा रहे हो, भरा दरबार है बंधु। आज रूप कहने लगा है, हम छोड़ चले हैं महफिल को, हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, हे भगवान कल क्या था और आज ये क्या हो गया। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना। एक ही ख्वाब सा देखा था हमने, एक ही ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया इस दिल को तसल्ली।
डर से। छोटा भाई बसंत आता है, अपने भाई को जंजीरों में जकड़े और जल्लाद के हाथों देखता है तो कहने लगा, ही भगवान मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? कायम रहेगी यह खुशी, कायम रहेगी यह खुशी या फिना हो जाएगी, अरे फसले बाहर ही रहेंगी या खिजा हो जाएंगी। भैया रूप, भैया बसंत, ये क्या देख रहा हूं मैं? भैया भैया बसंत, तो जोड़ी भी छुटी आज से, ए भैया तो जोड़ी भी छुटी आज से, तू सुन ले मेरे भ्रात, आ मिल ले भुजा पसार के, तुझ सान पाऊं भ्रात। भैया तुम्हारा ना कहना मान करके मैं मौसी जी के महल में गेंद लेने के लिए गया था, मौसी जी ने झूठा इंजाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिला दिया है। नहीं भैया नहीं, कूद के चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। मैं वो भाई नहीं, वो भाई का हमदम नहीं, भाई की अमराह में गर्दन कटे तो गम नहीं। ए प्यारी कटारी कहना मान तू, ए प्यारी कटारी कहना मान तू, भाई के चरणों में कर दे जान को कुर्बान तू। नहीं भैया नहीं, भैया बसंत, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, मेरे पीछे मेरे भाई तुम प्राण न गमाओ, जला दो, कुछ नहीं ले चलो वापस पिताजी के पास। आज लौट करके जब पिताजी के पास पहुंचते बंधु, राजा ने जब देखा है रूप को, एकदम से कह रहे जल्लाद क्यों लेकर के वापस आया उस कमीने को? महाराज हम नहीं, ये छोटे सरकार लेकर के आए। कौन? बसंत। हां पिताजी, भाई को लेकर के मैं आया हूं। पिताजी ऐसा कौन सा काम जो किया गलत मेरे भाई ने, जो कि आज सूली का हुक्म आपने दिला दिया? अरे ओ बसंत, इसने वो काम किया है जो कोई भी बेटा होकर के और पिता मां के साथ में ऐसा कोई नहीं खेल सकता। पिताजी ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? अरे उसने रात के 12 बजे जाकर के अपनी मौसी की इज्जत पर हमला किया बसंत। नहीं पिताजी नहीं, ये झूठ है। नहीं मेरा भाई नेक है, अरे हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं ए बसंत, तू पागल हो गया रे? तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, यह राजपाट सब तेरा है, तू मेरा हो जा, मेरा बन जा, यह जो भी कुछ है सब तेरा है, इस कमीने का साथ छोड़ दे। पिताजी आप कहते हो कि साथ छोड़ दूं, पिताजी यह नहीं हो सकता, और आप मुझे यह राज का लोभ देते हो। सुनिए पिताजी, जिसने तुमको राज दिया, जिसने तुमको राज दिया वो मुझको भी दे सकता है, और देने वाला दे करके हर हालत में ले सकता है। फिर क्यों कर तुम्हारे पिताजी, फिर क्यों कर तुमको पिता कहूं? दिन राग उसी के गाएगा, अरे मांगे से कम मिलता है, बिन मांगे ही मिल जाएगा। अच्छा तो तू भी अब बड़बर के बोलने लगा है। पिताजी पिताजी अब भी सोचो, अब भी
भी सोचो अब भी समझो कुछ दिनों का फेर है, ये पाप का घट भर चुका बस फूटने की देर है। मैं अपने भाई का कभी साथ नहीं छोड़ सकता और यद हथियार उठाने की जरूरत पड़ी तो मैं आज हथियार भी उठाऊंगा। चला दो, पकड़ लो उस कमीनों को भी, कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों को सूली पे चढ़ा दो, मारो उसको। आह पिताजी पिताजी, ओ पिताजी हम बिन मैया के लाल, ओ पिताजी हम बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते ही। पिताजी आज मैं झोली पसार करके तुम्हारे सामने अपने भैया को झोली में भीख में डाल दो, कमीने इस झोली में ये नफरत भरी ठोकर मारता है। नहीं पिताजी, तुम कितने निर्मोही हो गए हो, हमें न मारो। पिताजी हम बिन मैया के लाल, धर्म पर जान दिया करते ही। पिताजी हम दोनों की मर गई मैया, तड़पते रह गए दोनों भैया। पिताजी हो तड़पते रह गए दोनों भैया, अरे जैसे धुरु भक्त नादान वचन पर अटल रहा करते ही। नहीं पिताजी माफ कर दो पिताजी हमको, नहीं कमीनो अब मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। कमीनों को और सूली पे जाकर के चढ़ा दो, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। आज बंधुओं दोनों बच्चों को जंजीरों में जकड़ लिया है और लेकर के जब जा रहे हैं तो उधर से उनके चाचा धीर सिंह सामने जो दोनों बच्चे नजर पड़े हैं, हैं मैं क्या देख रहा हूं, मेरे बेटा रूप और बसंत जल्लादों के हाथ में, जला दो ठहरो। बेटा रूप बेटा बसंत, क्या माजरा है, क्या देख रहा हूं मैं? चाचा जी उस दिन ने कहना मान करके हम आपका मौसी जी के महलों के सामने गेंद खेल रहे थे, अचानक मेरे हाथों से गेंद चली गई, मैं गेंद लेने के लिए गया था, मौसी ने झूठा अंजाम लगा करके मुझे सूली का हुक्म दिला दिया। अरे बसंत रे रूप, मैंने तुमसे मने किया था लेकिन तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कुछ नहीं कर। आज बंधुओं जो इतने शब्द कहे हैं, दोनों बेटा आज चाचा के चरणों में गिर पड़े, बोले चाचा ये चाचा छोड़ के हम तेरी नगरी को, छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया, वापस आवेंगे ना सकल दिखावेंगे ना हो सारी उमरिया। चाचा जी अब हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। मारी ही चाचा जी, अयद आज मारी माहौल
फांसी लगा देता। चाचा जी प्रेम के बंधन में फंस कर पितु सुदबुद भूले सारी, बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी। चाचा सब कुछ मिल जाता है लेकिन पुत्र कैसी चीज होती है, कोई भीख में डाले नहीं डालता है। चाचाजी हमारी किस्मत खेल खिलाड़ी, अरे छोड़ के मर गई मैया वापिस आवेंगी ना, शक्ल दिखा देंगी ना हो सारी उमरिया। रूप और बसंत अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई सूली नहीं दिला सकता, जला दो चलो वापिस आज बंधु। धीर सिंह दोनों बेटों को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचते। बोले भैया प्रणाम। कौन धीर सिंह? इन कमीनों को तुम लेकर के यहाँ वापस आए हो? ले जाओ इनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। भैया जिस समय तुमने मेरे हाथ में हाथ इन बच्चों का दिया था और कहा था, और मैंने भी आपसे वो शर्त ली थी कि यदि ये बेटे राजकाज में कोई गलत काम करते हैं तो सजा आप देंगे लेकिन सलाह मेरी जरूर लेंगे, लेकिन आपने मुझसे कोई सलाह ली? अरे ओ धीर सिंह मैं तुझसे क्या सलाह लूंगा रे। तो भैया मैं सुनना चाहता हूं इन दोनों बच्चों ने कौन सा गलत कार्य किया। अरे ओ धीर सिंह इन कमीनों ने वो काम किया है, इसने इस रूप ने रात के 12 बजे जाकर के और तुम्हारी भाभी पे जाके और इज्जत का हमला किया था। नहीं भैया ये मैं कभी नहीं सोच सकता हूं। भैया मैंने इन बेटों को वो रास्ता वो प्यार पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया वो मैं जानता हूं। गर हो कुमार का दोष भैया हो गर हो कुमार का दोष तो सूली इन्हें चढ़ा देना। मैं वचन आपको देता हूं जी चाहे इन्हें सजा देना। भैया तुम नारी की बात करते हो ना, तुम्हारी जो वो पतिव्रता रानी वो है ना, मुझसे पूछिए नारी की बातों में ना आना चाहिए। भैया सुनो उस नारी के ही चक्कर में गई थी बाली की जान। ध्यान दीजिए भैया कान खोल करके सुन लीजिए। उस नारी के ही चक्कर में गई थी बाली की जान और नारी के ही चक्कर में गई थी राजा दशरथ की जान। नारी के ही चक्कर में मान ढल गया था दशकंदर का और नारी के चक्कर में ऋषि नारद का मुंह बन गया था बंदर का।
धीर सिंह, क्या तू बड़ बड़ के बोल रहा है? भैया मैं आपसे सच कहता हूं, नारी वो चीज है आईएनएस की चाल में धोखा भरा है रगो और बार में। अरे ओ धीर सिंह, मेरी रानी को दोष लगाता है? भैया तुम्हारी रानी को मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। सुनो, वो नार नहीं, वो नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है, अब बहुरंगी नहीं सौरंगी है, ढके तो सब कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। ऐ धीर सिंह कमीने, तू भी मेरे सामने बड़ बड़ के बोलने लगा। भैया तो कसम खा के कहता हूं, इन दोनों बच्चों की खातिर मैं अपने प्राण गमा दूंगा। और ये धीर सिंह झोली फसार के तुम्हारे सामने आज इन दोनों बेटों की प्राणों की भीख मांगता है। ये धीर सिंह, ये चंद्रसेन नफरत भरी ठोकर मारता है। समझ गया, अब तो यहां पूरा ही नारी का जाल बिछा हुआ है। तो महाराज खून टपके खून बरसे, खून टपके खून बरसे, हर दरो दीवार से खून की नदियां बहादुर तेग जो हर धार से। धीर सिंह आजाद है। ए धीर सिंह उतार दे साई कपड़े और भाग जा मेरे दरबार से, मैं तेरी भी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। महाराज ऐसे अन्यायी राजा के दरबार में ये धीर सिंह भी नहीं रहना चाहता है, तो सुन लीजिए। धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत तो हुकूमत से मुझे काम नहीं। त्रस में लब होगा, त्रस में लब होगा, पानी का दूंगा जाम नहीं, और तुझे रुला रुला के न मारा तो धीर सिंह मेरा नाम नहीं। भाग जा कमीने यहां से। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, और खम्बे की ओट में भेष बदल करके जहां जो बच्चों को फांसी लगनी थी रिवॉल्वर लेकर के और खड़ा हो जाता है। इधर में दोनों बेटों को जाकर के सूली के तख्ता पे चढ़ा दिया है। और इधर में कहा है जल्लादों ने, अरे भाई मरने वालों की ख्वाहिश पूरी की जाती है, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं। कुछ पीना है? अरे भैया जल्लाद, हमें ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो किसी को याद करना है? हाँ करना है, तो कर लीजिए, दो मिनट का समय दिया जाता है। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, दोनों बेटा फांसी के तख्ता पे चढ़े हैं और किस तरीका से देखो किन्हें याद करते हैं। अरे बाट देख फांसी पे चढ़ गए, अरे बाट देख फांसी पे चढ़ गए, और चाचा जी नहीं आए, और तेरी फिक्र में त्यार खड़े हम चंद्र सैन के जाए। लेकिन चाचा अभी तक नहीं आए। भैया बसंत बाट देख के फांसी पे चढ़ गए, चाचा जी नहीं आए, तेरी फिक्र में प्यार खड़े हम चंद्रसेन के जाए। Ah!
रहा मेरे। चाचा जी धीर सिंह की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हाय हाय जल्लाद, इधर गिनती बोलते ही उधर से धीर सिंह रिवाल्वर से गोली निकालता है। ए बच्चों, तैयार हो जाओ मरने के लिए। भैया जल्लाद, तुम अपना काम पूरा कीजिए। एक, दो और ये तीन। बेटा बेटा बसन, कौन चाचा जी? हाँ बेटा, भाग लो यहाँ से, तुम्हारे पिताजी की बहुत सेना है और हमारा हाय हाय कुछ नहीं बचाएगा। आज तीनों भाग पड़े हैं। और नंगर से बाहर निकलते हैं और क्या बोले हैं? अरे हम तो चले परदेश, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। हो रामा हो, हो रामा हो। मेरे प्रिय श्रोता हो, ध्यान दीजिए आगे क्या होता है। ये गलियां पट बन गट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। हमारा यह कोई नहीं है। हाँ बेटा,
अभी हमारा यहाँ कोई नहीं मेरे लाल, चलो अब तो हम परदेसी हैं। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और 4 आगे सुनोगे एक बार बड़े प्रेम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।